सबसे पहले आप लोगों को किचन में लिए चलते हैं। अच्छा जी, तुसी किस नज़र नाल देख रहे हो इस दावत हाँ मेहमाना नहीं आमद ना सिलसिला हाले शुरू नहीं होया। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं मोहम्मद शेब गजर दालियां ला एक नवी वीडियो विच नवे व्लॉग विच तुसां खुश आमदेद आखने हैं जी। गड्डी करो लगा जी स्टार्ट हो ते जुलो लगा तरनावे ते उत्थों अणसा जी सौदा सलोफ ते असां ने आस हुण मेज़मान हो एक दो दिहाड़ियां बाद न्यूली मैरिड कपल ने ते बरा ले वे पहले अपना हौलिया शोलिया सही करने हैं, फैन शैन भी मिलने रहने ना गल्लां समझा करो ना फैन मेल वन है ताक सुने मासी नी मासी ये ओलिया जरा क चेंज कर सा ते फिर वैसा तरनावे उतो मीट भी किनसा वेजिटेबल भी किनसा ते निकी कुड़ी जड़ी तुसा रोने नी आवाज भी आनी है सा हानपुर चेक करासा सा राती बुखार आसा ते चलो जी फिर जी चलो जी। दोस्तों गल इंज है कि पहले मरहले बच्च आ गए असा खानपुर तो इंशाल्लाह इतों फ्री होके दूसरे मरहले बच्च जासा तरनावे उतों फिर जाके मीट शीट वेजिटेबल शेजिटेबल वगैरह वगैरह शगैरा शगैरा किनसा। उठा लो हैं उठा लो चलो कंफ्यूज हो गई हैं इतो तो जी कोकोमो चाह दो माशाल्लाह जी ये पापा और इन्हें के नाम है जी दसो दा नकाश पाजी। लो जी दोस्तों इस वक्त तरनावे ने अंदर मौजूद है जी, ये सामने मेरी दुकान होनी जी, अजकल इतने अवामी करैना स्टोर है ते बाकी ये वे के गोश्त असा दिते भाजी को सिलेक्ट किया है जो कि ओटो का टक्कियां लगे ने ते हो गया पूरा जी लो जी संगियो फाइनली असा शॉपिंग करके मोड़ के घर आ रहे हैं जी ते गोश्त जड़ा है दिते भाजी को लोके दे चाचू भी आख सकने हो भाजी भी आख सकने हो मंडी ज्यादा आदो ते मैं भाजी ही चलाना होना इस वास्ते गोश्त दिते भाजी को लोके दे जी। इस तो अलावा बाकी जितने भी लुजमात ने वो नाल मिसे जी ते वो ही किन्नी रही उतों सब्जी शब्जी जो कुछ भी है जी काम काज मुका के वापस आ गए। रस्ते विच असां वली भाई को भी खलते हैं जी ते अल्लाह हैर करे इन्हां कोल भी असाना आर्डर जड़ा है पहुँच गया इंशाल्लाह। मछली भी आसी पिछे पिछे जो के परसों पहुँच सी ट्रक ते लदी गई है। The next day. वेलकम बैक दोस्तों, एक और सुबह भाई तो सामा खुश आमदीद आखसां जी। आज जुम्मा और उसी मुनासबत नाल मैं जा रहा जी बाला नी सेटिंग कराने हैं, बाकी मेहमान इंशाल्लाह कल बरोज हफ्ता आने ने। फिलहाल तुसी मेरा जादू चेक कर सो एक दो त्रै देखिया ने फिर जादू बाकी ये वे जी माशाल्लाह बाला शाला नी सेटिंग हो गई है और मैं बिल्कुल रेडी होके नमाज़े जुमानी अदायगी वास्ते जा रहा। The next day. वेलकम बैक टू अनदर मॉर्निंग, फाइनली आज दावत है और मैं सुबह सवेरे जितने भी इंतजामी उमूर हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखने के लिए उठ चुका हूँ। सबसे पहले आप लोगों को किचन में लिए चलते हैं और वहाँ के ताज़ा तरीन मनाजर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेट्स गो। नजरीन खीर पकना स्टार्ट हो चुकी है जो कि इंतहाई हल्की आंच के ऊपर धीरे धीरे पक रही है। मजीद अगर देखा जाए तो चना चाट के लिए चने बिल्कुल रेडी और इसके अलावा माशाल्लाह गोश्त भी बिल्कुल उड़ान भरने के लिए हम वक्त तैयार। दो त्रै चूचे कड़ी होता जी मेजमान अस हूं जी बहुत दूरों ते सारे तो जैके ले कड़ने ने। इधर देखो परलिया चूचा इधर तक शाबाश ठीक है जी अगर पाओ ने छापरे बिस्मिल्लाह। मछली ना आर्डर देते हैं जी खानपुर वली भाइया जो के तैयार है पैक करने ने पे ते बस कहन के निकलने हैं। मेहमान असल काफी वीआईपी ने इस वास्ते लेबोरेटरी ले भी असा नाल नाल ने हर चीज नी लेबोरेटरी जेड़ी है नालो नालो नी है पे हर एंगल तो चेक कर रहे ने खा रहे ने मसाले शसाले क्यों जी बास है फेल जी माशाल्लाह।
टाइम हो गया जी 1:35 और असा खानपुर तो अपने काम काज मुका के वापस पहुंचे हैं और मेहमाना नहीं फिलहाल कोई हेल्प कोल नहीं बर ले वे केस तो अगे थोड़ा किचन ना मैं विजिट करना उथे देखना जरा के मामला चल रहे हैं पासे बिरयानी दबा लगे हेले पासे खीर जेड़ी है माशाल्लाह अपना जलवा दसनी मैं उतो ही देख के समझ गया मैकरोनी तैयार है जी इस तो अलावा हेले पासे सालन तैयार होना पे जी कुकर बाकी ये जरा रंग है इसने बारे बात समझो तू है ये जेन्युइन काला कुकर है जापानी। अच्छा जी तुसी किस नज़र नाल देख रहे हो इस दावो तां मेहमाना नहीं आमद ना सिलसिला हाले शुरू नहीं होया ते के तुसी तजिया करना चाहसो यार जी सब तो पहले तो मैं तुसा शुक्रिया अदा करना तुसा असा ते मधु पीते एवें तुसा असा के मकी रोटी नहीं खिलाई पर बड़ी गल है कोई गल नहीं तुसा अच्छा तमाम कीते इंशाल्लाह मेहमाना आस्ते तुसा अच्छा अरेंज कीते ते खाने भी मुख्तलिफ किस्म दे तुसा तैयार कीते ने। अच्छा ते मैं ते लोको लिया चलो मैं ते के 6:30 नाश्ता करने हैं 12 लव विन सी। अच्छा ते इत्थे वलीमे लई सीन हो गए चलो अल्लाह करसी मेहमान भी तकरीबन नजदीक ही पहुंच आए ने ते अल्लाह करसी ओ थोड़ी देर तक उम्मीद ते दुनिया का है उम्मीद दुनिया के मेला करसी भुखा ना लै असने चूहे टिड्डे ते दौड़ने ने पर रोटी लभे ते फिर असी इंशाल्लाह असां तुसां ते कसरा कढ़ सां पिछलियां गलियां ते बड़ी मेहरबानी तुसां दी तुसां दा बहुत शुक्रिया। चलो जी तुसा भी इतने मतलब सारे तो पहले पहुंचे हो आसानी तरफ तुसा भी शुक्रिया बाकी अच्छे नहीं उम्मीद है जी इंशाल्लाह अच्छा हो चलो अल्लाह खैर करे। आओ जी आओ जी अस्सलाम वालेकुम एक दफा फिर मिलने अच्छा जी बड़ी मेहरबानी आओ जी अस्सलाम वालेकुम लो जी मेहमान माशाल्लाह असने पहुंच चुके ने जी ते बाकी हुण एन रोटी ना टाइम है नाल ही रोटी लासा ते बाद च इन्हां नाल मारसा गप। लो जी दोस्तों माशाल्लाह ये असने मेहमान आए ने जी सब तो पहले थोड़ा जा डिस्क्राइब कर देवां ये त्रै भाजी ते चौथा ये भाजी इन्हां दी शादी होई है जी उस सिलसिले च असने दावत की है इन्हें नहीं तो पिछले तो पिछले हाड़े च हुई मेरे ख्याल नाल बरा ले वे के ये जड़े बाकी त्रे दुले ने इन्हें नहीं इन्हें गर्मियों में हुई ना जी तो उस बेस से असा इन्हें माशाल्लाह जी दावत की है बाकी अपने तौर पर जो भी असा को हो सके जी बढ़ चढ़ के उस हिसाब नाल असा मैनेज किया जी तो थोड़ा जा इन्हों को रिव्यू करने यरा तुसावा मतलब इतने आके कैसा फील होया बाकी खाना वगैरह के जाया ते ओ खिदमत असी मलुक साहब को हासिल कर सके। बिस्मिल्लाह रहमान जी मलुक हसन साहब ने जी ये असने मेहमान ने पढ़ाने तो आए ने ते नवे दूल्हे ने इन्हें शादी हुई है ते कैसा महसूस कर रहे हो जी इत्थे आए के फील तुसा कीता इलाका के जा लगे खाना कैसा मलुक शोएब साहब पकाया है। खाना माशाल्लाह शोएब भाई रा बहुत अच्छा पकाया जी एक बार के त्रै बार ते बिरयानी पाई है उस तो बाद जे जे कुछ इन्हें बनाया है अलहमदुल्ला बड़ा मजा आया जी तुसानी बड़ी मेहरबानी फॉलोइंग तुसानी बड़ी है अलहमदुल्ला सने घर वड़के भी बिस्तरियां बाढ़ के तकने होने ने आ के शोएब गुजर दवालियां बड़ी मेहरबानी जी मतलब शानी साहब ने जी ਇਹ ਚਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਥਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰਦੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਕੱਢ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਏਰੀਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੂਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਦੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਹੈ ਕਿ ਆਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 1.5 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਸਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਨਤਰਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਵਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਏਰੀਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੋਏਬ ਗੁੱਜਰ ਦਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੂਏ ਨੰਬਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇਨਕੋਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਇਨਕੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਖਾਸ ਪੇਜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਏਬ ਗੁੱਜਰ ਦਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੇਜ ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇਨਕੋਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਵਿਊ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੈਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਏਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਤਲਕ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਹਨੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਏਬ ਭਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਅਸੀਂ
ਆਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਤੱਕਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਬ ਭਾਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਵਹਿਣਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਨਪੁਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਦੇਸੀ ਗਰਾਇਨਾ ਮਾਹੌਲ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਵਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੋਗ ਵੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਇਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਆਹੋਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਅੰਤਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਲਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਤਕਲੋ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਦੀਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਲਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਕੋ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਨਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸ਼ੁਐਬ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣ ਪਾਈਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਸਾਂ ਦਾਏ ਭਾਈ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਐਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।